हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पीएचडी फूडोलॉजी में। आज की रेसिपी है ऑन डिमांड। आज बनाने जा रही हूँ चिकन करी, तो चलिए बनाते हैं चिकन करी। तो मैंने ये लिया है 2 लहसुन हुए, जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, 4 हरी इलायची और ये लाल मिर्च। इसके सिवा आप चाहें तो गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया है। साथ ही मैंने लिए है ये लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, इसको मैं यूज़ करूँगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। थोड़ी सी दही और हल्दी और नमक। चिकन बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 केजी चिकन, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। सबसे पहले हम लोग चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर देंगे। उसके लिए इसमें डालूंगी थोड़ा नमक, थोड़ा थोड़ी सी हल्दी। यहाँ मैंने लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के रखा हुआ है, 2 चम्मच पेस्ट और लगभग 2 चम्मच दही। इसको अच्छे से मिला देंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसे हमने अच्छे से मिला दिया है, अब इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। मसाले को मैंने इस तरीके से मिक्सी में पीस के रख लिया है। चिकन को हमने मैरिनेट करने रख दिया है। अब हम लोग प्याज काट लेते हैं। कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। इसमें हमने सरसों तेल डाल दिया है। यहाँ हमारा चिकन भी अभी से मैरिनेट हो चुका है। अब इस डिशेज को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। हमने चिकन फ्राई करके निकाल लिया है। इसको हम लोग सॉस के साथ भी खा सकते हैं और करी भी, इसको करी में भी डाल सकते हैं। चिकन हमने फ्राई करके निकाल लिया है। कढ़ाई हमारी गर्मी है, अब इसमें डालेंगे ये तड़का। जिसमें मैंने ली है 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा जीरा। प्याज को हमने काट कर ऐसे रख लिया हुआ है, अब इसे डालेंगे कढ़ाई में। प्याज को हम लोग थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। प्याज को हम लोग ब्राउन होने तक नहीं पकाएंगे। अभी ये आधा पक चुका है। अभी जो मैंने पेस्ट तैयार किया था मसाले का, और साथ ही मैं हल्दी नमक मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। प्याज और मसाला हमारा लगभग पक चुका है, इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। साथ ही में डाल देंगे चिकन की फ्राइड पीसेस। इसे थोड़ी देर तक पकने के लिए ढक कर रखेंगे। हम देख सकते हैं कि मसाले का तेल बिल्कुल निकल आया है और चिकन लगभग पूरी तरीके से पक चुका है। अब इस पर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा एवरेज चिकन मसाला, अगर आप चाहें तो ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं डाला। और बस तैयार मसालेदार चिकन करी तैयार हो गई हमारी चिकन करी।